नूरुद्दीन लकड़ावाला, आज से ठीक दो दिन बाद तुम्हारी फांसी है। कोई आखिरी ख्वाहिश? जिलर साहब, मुझे केटी से मिलना है, केटी पाठक। से आई हूँ तब से फाइलें ही झड़वा रहे हैं, कभी डस्टिंग कभी पेपर कटिंग, ये सब मेरा काम थोड़ी ना, ये तो प्यून का काम है। मिसेस बिलू मौर्या, उन्हें भी अभी ही जाना था लीव पर। अब सर, आप मेरी बात का बुरा मत मानिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सर, मैं लॉ स्कूल की टॉपर रह चुकी हूँ, आप मेरी डिग्री का ना सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे। After all, life में कुछ चैलेंज होना चाहिए सर, चैलेंज। हीरो नियति, you're right. What's life without a challenge? Yes sir. Life में कोई चैलेंज होना ही चाहिए, you're right. सर, आप मेरी बात को समझ ही नहीं रहे, मैं अपनी बात कर रही हूँ अपनी। सर प्लीज सर, मुझे कुछ चैलेंजिंग दीजिए प्लीज। अरे तो ऐसा कहो ना नियति, कई दिनों से एक सवाल मुझे तंग कर रहा है, आई एम श्योर तुम्हारे पास उसका जवाब जरूर होगा। वो कौन सी चिड़िया है जिसके सर पर पैर होते हैं? चिड़िया? हाँ चिड़िया। जिसके सर पर पैर? सर पर पैर होते हैं। सर ऐसी तो कोई नहीं सर, होगी जरूर होगी और मैं इसका जवाब आपको जरूर दूंगी। सर बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं सोच लूं। टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है। Somebody is knocking at the door. Yes. चिड़िया। इंस्पेक्टर दवे? तुम यहाँ आए हो तो कोई खास बात ही होगी। हाँ केडी, आज मैं तुम्हारे लिए एक मैसेज लेके आया हूँ। नूरुद्दीन लकड़ावाला को तो जानते होगे तुम। नूरुद्दीन लकड़ावाला? Yeah, it rings a bell. Right. स्टेट वर्सेज नूरुद्दीन लकड़ावाला 2009। हाई कोर्ट ने नूरुद्दीन को दिल्ली के सनशाइन ओल्ड एज होम में ब्लास्ट करके 80 बेगुनाहों की जान लेने के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट में अपील हुआ था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपील को रद्द करके फांसी की सजा बरकरार रखी। आज तारीख क्या हो रही है? परसों उसकी फांसी है। Am I right or am I right? Right. Right. हाँ केडी, पर जानते हो मरने से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? नहीं ये मुझे कैसे पता होगा? वो मरने से पहले तुमसे मिलना चाहता है केडी। मुझसे? राइट। दैट्स इंटरेस्टिंग। क्यों? शायद उसका भरम है कि तुम उसे फांसी लगने से बचा लोगे। सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी फांसी को रोका नहीं, उसे तुम बचा लोगे। पर केडी, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो ऐसे कमीने इंसान से कभी नहीं मिलता। दवे अच्छा है कि तुम मेरी जगह नहीं, मैं अपनी जगह खुद हूं, और इससे भी अच्छा होता अगर तुम अपनी जगह ना होते कहीं और होते। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि मरते की आखिरी ख्वाहिश को पूरा ना करो। नियति, वी आर गोइंग टू दिल्ली, नेक्स्ट फ्लाइट प्लीज। कहो क्या लोगे? टी, कॉफी, लॉ, ऑर्डर? आप मुबीना, उनकी पत्नी। हमें तो लगता था कि आप से बड़े लोगों के केसेस लड़ते हो, लेकिन जैसे हमने अखबार में पढ़ा कि कैसे आपने एक बैंक के मामूली मुलाजिम की मदद की, हमने बहुत हिम्मत जुटा के आपको बुलाने की जहमत की है भाईजान। मैं बेकसूर हूँ भाईजान, मेरी हर फरियाद को अनसुना कर दिए गए, अब सिर्फ आप मुझे बचा सकते। I'm sorry, अनुराग, कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी फांसी में सिर्फ 36 घंटे बचे हैं और इस देश की सबसे बड़ी अदालत अपना फैसला सुना चुकी है। इतने कम समय में? ऐसा मत कहिए भाईजान, मेरा नूरा बेकसूर है। मेरा केस लेने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि मैं झूठ बोल, तो आपके सिर्फ 36 घंटे जाएंगे।
लेकिन अगर आपने मेरा केस नहीं लिया तो मेरी तमाम जिंदगी जाया हो जाएगी भाईजान। मैं अपनी तमाम जिंदगी के लिए आपकी जिंदगी से सिर्फ 36 घंटे मांग रहा हूं। बताओ 2 साल पहले क्या हुआ था? ओखला वाले सनशाइन ओल्ड हिजम को गिरवाकर बिल्डर सलमानी एक बहुत बड़ा टावर बनाना चाहता था, लेकिन जब उसके मालिक दुकान में से बेचने से इनकार कर दिया तो बिल्डर सलमानी ने मुझे 5 लाख का लालच देकर कहा कि उस वृद्ध आश्रम को बम से उड़ा दूं ताकि इससे दुग्गल उसे बेचने के लिए मजबूर हो जाए। इस काम के लिए इन्होंने मुझे एक खास फोन बम दिया जिस पर एक टाइमर सेट था जिसे सेल फोन की घंटी से एक्टिवेट करके उड़ाना था। मैं गया तो था बम लगाने, लेकिन मेरा जमीर मुझे बार बार रोके जा रहा था। दरअसल ये काम मैं अपनी मां का ऑपरेशन करवाने के लिए कर रहा था, लेकिन मां की जान बचाने के लिए इतने बेकसूर बुजुर्गों की जान लेना यह मेरे जमीर को मंजूर नहीं हुआ। मैंने अपना मन बदल दिया। लेकिन इससे पहले कि मैं वहां से निकलता मुझे वॉचमैन ने देख लिया। क्या कर रहा तू अरुण? क्या? और मैं बॉम्ब और फोन को वहीं छोड़कर भाग गया। और रुक जा साले रुक जा और रुक यो रुक और रुक जा रुक ए भाई पकड़ो यो पकड़ रुक सारे ए बॉम्ब रुक रुक पकड़ पकड़ो ए साले अरे छोड़ अरे मैंने नहीं रखा बॉम्ब ये साले ने वहां बॉम्ब रखा है। वो बॉम्ब मैंने नहीं, किसी और ने फोन डायल करके ट्रिगर किया था। कोई और था तुम्हारे साथ वहां? रात के 1:15 बजे थे, मैं अकेला गया था। लेकिन जब उस अंधेरी रात में मैं बॉम्ब लगा रहा था तो मैंने अपने पीछे कुछ अजीब सी आवाज सुनी। कैसी आवाज? जैसे जैसे कोई लोहा लोहे से टकरा है। ऐसी आवाज थी वो? बिल्कुल ऐसी। हाँ भाई बिल्कुल ऐसी। कोई दिखा नहीं लेकिन जरूर कोई था वहां। ये बात तो तुमने अदालत में कही होगी ना? जी, लेकिन हमारे वकील साहब साबित नहीं कर पाए कि वहां पर कोई था। लेकिन आप कोई आम वकील नहीं है, केडी है आप। बेगुनाहों के लिए खुदा है आप। मैं खुदा नहीं इंसान हूं। खुदा को भी 7 दिन लगे थे जिंदगी बनाने में। मेरे पास जिंदगी बचाने के लिए सिर्फ 35 घंटे 40 मिनट और 22 सेकंड है। देखो नूरा, इस देश की सबसे बड़ी अदालत तुम्हारे खिलाफ फैसला सुना चुकी है। इस फैसले को बदलना तो दूर, इसे सुनवाई तक लाना भी बहुत मुश्किल है। देखो नूरा, मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर सकता लेकिन कोशिश पूरी करूंगा। मंत्री जी, केडी पाठक बोल रहा हूं। एक दरख्वास्त है आपसे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से बात करके उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि नूरुद्दीन लकड़ा वाला केस रीओपन करे। इट्स अ डू एंड डाई सिचुएशन सर। इफ वी डोंट डू, एन इनोसेंट विल डाई। धमेजा, रमेश धमेजा। जहां तक मुझे याद है धमेजा सावलानी का पार्टनर था और सावलानी के जेल जाते ही इसने अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू की, धमेजा कंस्ट्रक्शन।
बिल्कुल ठीक कहा साहब। मैं तुमसे नहीं अपने आप से बात कर रहा था। हाँ नियति बोलो। हेलो सर, प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल गया है। प्रेसिडेंट साहब से अप्रूवल मिल गया, वेरी गुड। और सर आपके सवाल का जवाब है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग गलत जवाब है, तुम दिल्ली आओगी तो बताऊंगा। छह सौ मीटर की दूरी है। माननीय श्री न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। कार्यवाही शुरू करने से पहले मिस्टर केडी लेट मी टेल यू कि इस केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट कर चुका है, अब इसका फैसला बदला नहीं जा सकता। गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूं योर ऑनर, लेकिन अगर मैंने साबित कर दिया कि मेरा मुवक्किल नूरुद्दीन लकड़ावाला बेगुनाह है तो ये फैसला खुद ब खुद बदल जाएगा। ये ऑनर, लगता है एडवोकेट केडी पाठक की कामयाबी उनके सर चढ़ गई है। उन्हें लगता है कि वो इस देश की अदालत से भी बड़े हैं, जो फैसला सबसे उच्च न्यायालय ने हर सबूत के जांच पड़ताल के बाद दो सालों में ली है, वो मेरे काबिल डिफेंस लॉयर बस चार घंटों में ही बदलना चाहते हैं। ये तो कोई फिल्म का हीरो ही कर सकता है, पर ये कोई फिल्म नहीं है, हकीकत है। और हकीकत यह है योनर कि मुजरिम नूरुद्दीन लकड़ावाला ने 14 जनवरी 2009 की रात ओखला के सनशाइन ओल्ड एज होम को बम से उड़ाकर 80 बेगुनाहों की जान ली, जिसके चार सबूत या फिर केडी की जुबान में चार इक्के मैं फिर से पेश करने जा रही हूं। एक, इस केस का को अक्यूज्ड बिलजा सावलानी, जिनका निधन 4 महीने पहले जेल के अंदर हो गया है दिल का दौरा पड़ने से। उनका यह बयान कि उन्होंने ही नूरुद्दीन को 5 लाख रुपए दिए थे सनशाइन ओल्ड एज होम को बम से उड़ाने के लिए। दो, नूरुद्दीन उर्फ नूरा के घर से बरामद किए गए वही 5 लाख के नोटों की गड्डिया जो सावलानी ने नूरा को दिए थे। तीन, नूरा का खुद ये मानना कि हाँ धमाके के इरादे से ही वो सनशाइन ओल्ड एज होम गया था। चार, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस केस का चश्मदीद गवाह सिक्योरिटी गार्ड लहरी सिंह, जिसने नूरा को बम लगाते हुए रंगे हाथों पकड़ा। डिफेंस योर ऑनर, मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहिबा के चारों इक्कों की कद्र करता हूं, लेकिन मैंने याद दिला दी कि ताश की गड्डी में 4 इक्कों के अलावा 48 पत्ते और होते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं कहता हूं कि अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। हो सकता है इस केस में जो है वो नहीं और जो नहीं वही है। योर ऑनर, सिक्योरिटी गार्ड लहरी सिंह ने मेरे मुवक्किल नूरा को रंगे हाथ पकड़ा था, लेकिन रात के अंधेरे में अक्सर रंगों की पहचान धुंधली हो जाती है। मैं लहरी सिंह को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है जी, मैं जो भी कहूंगा सच के सिवा कुछ को नहीं कहूंगा साहब जी। लहरी सिंह जी, अदालत को स्पष्ट शब्दों में बताइए कि उस रात को आपने क्या क्या देखा। जी साहब जी, मैं उस दिन संसार विद्याश्रम के सामने वाली बिल्डिंग के चक्कर ले रहा था, मुझे लगा कि कोई बंगले में घुस रहा है। मैंने जाकर देखा साहब जी, तो यो देखा
और किसी को देखा आपने उस समय वहाँ? ना जी, घनी रात के 1:30 बजने वाले थे। वहाँ कौन था? कोई आवाज सुनी आपने? खनकने की आवाज, लोहे के लोहे से टकराने की आवाज, याद कीजिए। ना जी बिल्कुल ना। तो लहरी सिंह जी, आपने नूरा का पीछा किया, जैसे ही नूरा को पकड़ा पीछे धमाका हुआ, धमाके के जोर से आप दोनों नीचे ही गिर गए। नीचे गिरने के कारण नूरा की कलाई से घड़ी नीचे गिरकर टूट गई। क्या यह सही है? हाँ जी, यो बात तो बिल्कुल सही है। हरि सिंह जी, क्या ये वही घड़ी है? जी साहब जी, ये तो वही घड़ी है जो मैंने अपने हाथों से पुलिस को दी थी, गिरने से टूट गई। 1:20, यो तो सेम टाइम है जब ये घड़ी टूट के गिरी थी साहब जी। हरि सिंह जी, अब ये कहना चाहते हैं कि इस घड़ी में 1:20 बज रहे, धमाका भी 1:20 को हुआ था, क्या ये सही है? जी 16 आने पक्का साहब जी। योर ऑनर, 1:20। यस डेफिनेटली। 1:20 प्रोसिक्यूटर साहब, 120। यस। हाँ जी पक्का। आपसे नहीं पूछा, आपको अगर कोई सवाल पूछने हो तो। जी नहीं, इन्होंने जो भी कुछ कहा वो मेरे लिए काफी है, ये साबित करने के लिए कि वो बम ब्लास्ट नूरा ने ही किया है। धन्यवाद हरि सिंह जी। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह दिल्ली बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के चीफ डॉक्टर महापात्रा, जो केवल हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में बॉम्ब डिटेक्शन, डिफ्यूजन और डिस्पोजल के एक्सपर्ट हैं, उन्हें बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। डॉक्टर महापात्रा, आपने ब्लास्ट के बाद सनशाइन ओल्ड एज होम को इंस्पेक्ट किया था। जी। तो उस बॉम्ब के बारे में क्या रिपोर्ट थी आपकी? वेल, इट्स क्वाइट सिंपल। वो बॉम्ब एक टाइम बेस्ड बॉम्ब था जिस पर एक सेलफोन कनेक्टेड था, जिसके बजते ही बॉम्ब 1 मिनट में फट जाता। टाइम बेस्ड बॉम्ब जिस पर एक सेलफोन फिट था, क्या आप कहेंगे कि ऐसा ही बॉम्ब था? जी, लगभग सिमिलर मॉडल का था। डॉक्टर महापात्रा, क्या मेरा यह कहना सही होगा कि अगर मैं अपने फोन से इस बॉम्ब से जुड़े सेलफोन का नंबर लगाऊं तो ये 1 मिनट में फट जाएगा? जी 1 मिनट में, क्योंकि 1 मिनट काफी होता है इसे लगाकर भाग जाने के लिए। ये बताइए कि क्यों सिर्फ 1 मिनट? क्यों? Why only 60 seconds? क्यों 50 सेकंड नहीं? क्यों 1 मिनट 10 सेकंड नहीं? ये प्रिसीजन टाइमर है, ना 1 सेकंड इधर ना 1 सेकंड उधर। तो क्या आपका कहने का मतलब ये है कि अगर ब्लास्ट 1:20 पर हुआ था तो किसी ने बम से जुड़े सेलफोन का नंबर 1:19 पर लगाया था? या एब्सोल्युटली। योर ऑनर, 1:19। यस प्रणाली जी, 1:19। यस। थैंक यू डॉक्टर महापात्रा। योर ऑनर, मेरी अदालत से गुजारिश है कि आप प्रणाली जी, डॉक्टर महापात्रा और लहरी सिंह मेरे साथ ब्लास्ट साइट पर चले। और क्यों? क्या आप अपनी दलील को यहां साबित नहीं कर सकते? साबित कर सकता हूं योर ऑनर, लेकिन समय बहुत कम है। नूरा की फांसी में केवल 20 घंटे बचे। ओके। लहरी सिंह, यहाँ। जी साहब जी। लहरी सिंह, क्या ये वही जगह है जहाँ तुमने नूरा को देखा था? जी, जो ही जगह थी, लेकिन पहले वहाँ एक आश्रम था, अब बड़ा सा टावर बनने वाला है जी, धवी टावर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो कहाँ पहुंचकर तुमने नूरा को पकड़ा? वो सामने बंगला देख रहे हो ना साहब जी, वो बंगले के साथ वाली गली के छोर पे। जज साहब, मैंने ये डिस्टेंस मेजर किया है, 600 मीटर की दूरी है। जसदेव, जज साहब, ये जसदेव सिंह सोडी है, एशियन गेम्स की 400 मीटर की दौड़ में इनका रिकॉर्ड है। हिंदुस्तान में ये फासला इनसे तेज कोई नहीं तय कर सकता। लहरी सिंह जी, जरा प्रणाली जी और डॉक्टर मोहापात्रा को वहां उसी जगह ले जाओ जहां तुमने नूरा को पकड़ा था।
एंड डॉक्टर मोहपात्रा, ये स्टॉपवॉच, जैसे ही आप सीटी की आवाज सुनेंगे जसदेव यहां से दौड़ेगा और आप स्टॉपवॉच ऑन कर दीजिएगा। जसदेव के यहां पहुंचते ही स्टॉपवॉच ऑफ कर दीजिएगा। चलो मैडम जी, चलो। जसदेव, आर यू रेडी? क्या टाइमिंग हुई? 1:19 1:19 थैंक यू जसदेव। पॉइंट प्रूवन। कौन सा पॉइंट केडी? यही जज साहब की नूरा वहां से भागने से पहले अपना सेलफोन डर के मारे वहीं छोड़ गया था। एविडेंस के मुताबिक नूरा के फोन से बॉम्ब के फोन पर फोन किया गया था 1:19 पे, क्योंकि ब्लास्ट हुआ था 1:20 पर। हाँ तो ये प्रण लीजिए कि जब जसदेव सिंह, जो इंडिया का फास्टेस्ट रनर है, उसे ये फासला तय करने में कितना, डॉक्टर मोहपात्रा? 1:19 लगे, तो लहरी सिंह और नूरा का ये फासला उससे कम में तय करना मुमकिन ही नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं केडी? डॉक्टर मोहपात्रा, मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे मैं कह चुका हूं, नूरा डर के मारे अपना सेलफोन वहीं छोड़ गया था, और जब ब्लास्ट हुआ उस वक्त लहरी सिंह नूरा का पीछा कर रहा था। इसका मतलब यह हुआ कि किसी और ने नूरा के फोन से बॉम्ब से जुड़े सेलफोन पर फोन किया है। इंटरेस्टिंग पॉइंट। नो पॉइंट सर, वो फोन कॉल नूरा ने ही किया था। सेलफोन कंपनी के रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइनल कॉल नूरा के सेल से ही किया गया था, और उसी लोकेशन से जहां नूरा के अलावा कोई मौजूद नहीं था। Your Honor, वहां कोई था और नूरा ने किसी की आहट भी सुनी थी वहां। कहीं अनसुनी बातों से फैसले बदले नहीं चाहते कि अदालत सबूत मांगती है, और सबूत है ये। क्या प्रणाली? Your Honor, ब्लास्ट साइट से बड़ी मुश्किल से ये रिट्रीव किया गया है। ये नूरा के फोन का जला हुआ हिस्सा है। मैंने इसे फिर से एनालाइज करवाया है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पर जो उंगलियों के निशान है वो नूरा के ही है। तो जाहिर सी बात है, वहां नूरा के सिवाय और कोई नहीं था, और वो फोन कॉल जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ था वो नूरा ने ही किया था। Your Honor, मैंने अभी अभी साबित किया है कि नूरा का उस फोन से बॉम्ब के लगे सेलफोन पर डायल करना इम्पॉसिबल है। तुम सही ट्रैक पे हो केडी, मगर फांसी का फैसला बदलने के लिए तुम्हें और सबूत ढूंढने होंगे। तुम्हें यह साबित करना होगा कि फोन करने वाला कोई और था उस वक्त वहां पर। ऐसा कोई है तो ऐसी आवाज थी। बिल्कुल ऐसी। हाँ भाई, बिल्कुल ऐसी। कोई दिखा नहीं, लेकिन जरूर कोई था वहां। तो ये लीजिए, नूरा की केस की बाकी के डिटेल्स। ये केस तो और भी पेचीदा होता जा रहा है, और फांसी लगने में अब सिर्फ 10 घंटे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे फांसी का बंदा मेरे गले पे कसता जा रहा है। ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि वो दूसरा कौन था जिसने ब्लास्ट किया। ये तो सिर्फ वही कर सकता है जिसका उस बंगले के उड़ने से फायदा हो, या फिर नूरा को फंसाने में फायदा। वैसे सीधा सीधा फायदा तो धमेजा बिल्डर्स के रमेश धमेजा को ही हुआ है। एक काम करो, तुम पता लगाओ कि धमेजा उस रात को कहाँ था। मैं जरा नूरा की पत्नी से मिलकर आता हूँ। Yes. वो चिड़िया जिसके सिर पर पैर है वो मैं ऑलमोस्ट पता लगा चुकी हूँ। बस नियति, चिड़िया को भूल जाओ, धमेजा को याद रखो, वक्त बहुत कम है।
बिना भी तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। सनशाइन ओल्ड एज होम के ब्लास्ट की जानकारी सिर्फ नूरा और सावलानी को थी, तो फिर वो तीसरा कौन हो सकता है जिसने नूरा का पीछा किया सनशाइन ओल्ड एज होम तक और ब्लास्ट किया? जी, नूरा ने बॉम्ब के बारे में मेरे अलावा किसी से कुछ नहीं कहा था। हाँ, याद आया, बलराम खोसला। बलराम खोसला सनशाइन होम का मैनेजर? जी, वही तो बिल्डर सावलानी को वहां के मालिक दुग्गल से मिलाने लेकर गया था उस सौदे का दलाल बनकर। उस सौदे के बाद उसे उसका कमीशन 2% मिलने वाला था। करोड़ों की डील, लाखों का कमीशन, पर खोसला पर तुम्हें क्यों शक है? क्योंकि नूरा जब पैसे लेने गया था उस शाम खोसला भी सावलानी के ऑफिस में ही था। हो सकता है कि उसने नूरा की और सावलानी की सारे बातें सुन ली हो, उसके बाद में उसने नूरा का पीछा किया हो ये पक्का करने के लिए कि नूरा ब्लास्ट करे और उसे उसका कमीशन मिल जाए। तुम्हारी बात तो ठीक है, सुराग मिल सकता है खोसला से। मानिया थी, बोलो। व्हाट? क्या धमेजा क्या? थैंक यू नियति। या अल्लाह, मेरी नूरा की मदद कर। हाँ सिन्हा साहब, बोलिए। क्या कल सुबह 3 बजे कोर्ट में सुनवाई है? केडी, ये केडी का दिमाग खराब हो गया है क्या? सुबह 3 बजे कोर्ट में सुनवाई कैसे हो सकती है? ये कोर्ट का टाइम नहीं है। अच्छा ठीक है, आप केडी की विटनेसेस का लिस्ट मुझे भेज दीजिए, मैं अपनी प्रोसिक्यूशन तैयार करती हूँ। नियति, उस रात जिसने नूरा का पीछा किया था और जिसने बम उड़ाया, इन तीनों में से कोई है। काश मेरे पास और समय होता कि मैं उसके खिलाफ पूरी तरह से सबूत इकट्ठा कर सकता। इसका मतलब अगर हम ये साबित नहीं कर पाए तो नूरा योराना, सुबह के 3 बजे स्पेशल परमिशन लेकर आप सबको यहाँ बुलाने की माफी चाहता हूँ मैं, और कोई चारा नहीं था। नूरा की फांसी का समय सवेरे 5 बजे का है, 2 ही घंटे हैं मेरे पास। योराना, मेरे पास 3 गवाह हैं जिनमें से कोई एक नूरा के गले में पड़े फांसी के फंदे को खोल के रख देगा। सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूँ सावलानी बिल्डर्स, जिन्होंने नूरा को यह कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उनके पार्टनर मिस्टर रमेश धमेजा को। इजाजत है? आइए मिस्टर धमेजा, प्लीज हरी अप, समय कम है। मिस्टर धमेजा, मिस्टर सावलानी और आप पार्टनर्स थे? जी, पिछले 20 सालों से हम एक दूसरे को जानते थे, लेकिन तकरीबन 2 सालों से हम लोगों के बीच अनबन चल रही थी, तो मैंने अपना बिजनेस जो है वो नैरोबी में शिफ्ट कर दिया अलग से। तो ये जो सावलानी बिल्डर्स और सनशाइन ओल्ड एज होम के बीच में जो सौदा हुआ था, इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं थी? हरगिज नहीं, अगर मुझे पता होता कि मेरे पार्टनर ने वृद्ध आश्रम को उड़ाने की साजिश रची है तो मैं फौरन ही पुलिस के हवाले कर देता। भाई, गलत काम से पैसे कमाना तो मेरे लिए पाप है। कमाल है, किसी का पाप किसी का पुण्य बन जाता है। अब उसी प्लॉट पर आपकी अपनी कंपनी धमेजा कंस्ट्रक्शंस की बिल्डिंग धमेजा टावर्स बन रही है, इज दैट राइट? ऐसे ही होता है केडी साहब, किसी के नुकसान से किसी को लाभ होता है। अब इस डील के दलाल को ही देख लीजिए, खोसला साहब। सालवानी इसे 2% दे रहा था, लेकिन मुझे इसे 5% देने पड़े। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस ब्लास्ट से इसे दोगुना फायदा हुआ होगा। ब्लास्ट की रात को आप कहाँ थे? जैसे कि मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं नैरोबी में था, और ब्लास्ट के एक दिन बाद ही सुनवाई के लिए मैं यहाँ पर लौटा हूँ, जिसके लिए मुझे बाइज़त परी किए गए। मिस्टर धमेजा, एक बार फिर से पूछता हूँ, याद करके बताइए, ब्लास्ट की रात 14 जनवरी को
आप कहाँ थे? मैंने कहा ना कि मैं नैरोबी में था। आप नैरोबी में थे या दिल्ली में थे? मैं आपसे कह चुका हूँ कि मैं नैरोबी में था, मैं दिल्ली में कैसे हो सकता हूँ? मिस्टर धनेजा, अगर आप नैरोबी में थे तो 13 जनवरी को कीनिया एयरवेज फ्लाइट नंबर 406 सीट नंबर D24 इस सीट पर बैठकर कौन आया था? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन पास किसने किया जिस इमिग्रेशन कार्ड पर आपके दस्तखत है? रोटनी कार हायर सर्विस से मर्सिडीज हायर करके होटल डिलाइट के रूम नंबर 740 में कौन रहा था जिसने कैश में पेमेंट किया, जिसका ये कैश रिसीट है, जिस पर आपके हस्ताक्षर है? अब बताइए, आप नैरोबी में थे या दिल्ली में? मुझे कुछ याद नहीं है। आपको याद है बताइए, आप उस रात को कहां थे? मैं बताती हूँ ये दिल्ली में क्या कर रहे थे। यू आर ना, वो दिल्ली में ही थे। जरा इन फोटोग्राफ्स को देखिए। क्या है प्रणाली? यू आर ना, 14 जनवरी की रात होटल डिलाइट के रेस्टोरेंट में हुई एक स्पेशल गजल नाइट की फोटोग्राफ है, जहां मिस्टर धमेजा मौजूद है और उनके साथ है। प्लीज मिस्टर धमेजा, और उनके साथ है उनकी गर्लफ्रेंड मिस नताशा। तो फिर इस बात को इन्होंने छुपाया क्यों? क्योंकि दिल्ली में ही इनकी बीवी है और 3 बच्चे भी हैं, जिन्हें मिस नताशा के बारे में कुछ नहीं पता है अब तक। ओ, तो इस डर से ये झूठ बोल रहे थे? जी, मैंने ये ब्लास्ट ही करवाया है, लेकिन मेरी पत्नी मुझे नहीं छोड़ेगी। वो मुझसे मेरी आधी जायदाद ले लेगी, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। ये सब उस खोसले, इस खोसले की वजह से हुआ है। सिर्फ इसने ही मुझे इस कांड में फंसाया। जज साहब, मुझे तो इस पर पहले से ही शक था कि शायद उस रात को यही हो। सब इसी की वजह से हुआ है। इसने दुगना पैसा। ऑर्डर ऑर्डर, ये मत भूलिए कि ये अदालत है। मिस्टर केडी, आपको कुछ और पूछना है इनसे? नहीं योर ऑनर, लेकिन मिस्टर धमेजा ने मिस्टर खोसला पर उंगली उठाई है। मेरे अगले गवाह सनशाइन ओल्ड एज होम के मैनेजर मिस्टर बलराम खोसला। इजाजत है, आइए मिस्टर खोसला। बिल्कुल ऐसी। हाँ भाई, बिल्कुल ऐसी। कोई दिखा नहीं, लेकिन जरूर कोई था वहां। मिस्टर खोसला, सावलानी बिल्डर्स और सनशाइन ओल्ड एज होम के बीच की डील आप करवाने वाले थे? हाँ, तो आपको इस काम के लिए 2% कमीशन मिलने वाला था। हाँ, तो ब्लास्ट के बाद आपने यही डील सावलानी के साथ नहीं करके धमेजा कंस्ट्रक्शंस के साथ किया, जिसके लिए आपको 5% कमीशन मिला। हाँ, तो यानी कि इस ब्लास्ट के कारण आपका मुनाफा दुगने से भी ज्यादा हो गया। हाँ, तो क्या ये सही है कि सनशाइन ओल्ड एज होम में बतौर मैनेजर की आपकी नौकरी सिर्फ रात को 8 बजे तक होती थी? हाँ, तो फिर आप 14 जनवरी को रात 1 बजे वहां क्यों गए थे? हाँ, तो हाँ तो नहीं। मिस्टर खोसला, मेरे इस सवाल का जवाब, मैं वहां रात को 1 बजे इसीलिए गया था, से शुरू होता है। बताइए आप वहां रात को 1 बजे क्यों गए थे? हाँ, तो वो मेरी ड्यूटी खत्म होने के बाद में मैं फिल्म देखने चला गया था 9 से 12 की, और जब फिल्म खत्म हुई तो मुझे याद आया कि मेरा बैग सनशाइन होम में रह गया, तो मैं लेने गया था। 14 जनवरी की रात 1:20 पे आप कहाँ थे? 1:20 पे आप कहाँ थे? 1:20 पे। 1:20 मिस्टर खोसला, 1:20 पर आप कहाँ थे? हाँ, तुम्हें याद करने की कोशिश करो, याद ही नहीं आ रहा सर। सनशाइन ओल्ड एज होम से 2 किलोमीटर दूर
ग्लोबल बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में थे। योना, मैं कोर्ट को कुछ दिखाने की इजाजत चाहूं। इजाजत है? यह है उसी एटीएम के सिक्योरिटी कैमरा का फुटेज जहां पर डेट और टाइम साफ नजर आ रहा है। मिस्टर खोसला इसी एटीएम में पैसे विड्रॉ करने के लिए गए थे। सनशाइन ओल्ड एज होम और नूरा से दूर। याद आ गया। थैंक यू। यू वेलकम। तो केडी, तुम्हारा दूसरा शक भी बेबुनियाद निकला। अब बस बचा है एक गवाह, एक आखिरी गवाह, और अगर ये भी बेगुनाह निकला तो केस खत्म। योर ऑनर, मेरा आखिरी गवाह गुड्डू त्यागी, जिस पर डकैती और एक्सटॉर्शन के 11 केसेस चल रहे हैं। साहब, लेकिन उसमें से कुछ साबित नहीं हो पाया, मैं बेल पर रिहा हूं। घबराओ मत, यहां उन केसेस की नहीं नूरा के केस की बात होगी। गुड्डू, क्या यह बात सच है कि सावलानी ने नूरा से पहले यह काम तुम्हें ऑफर किया था? हाँ, किया तो था, लेकिन मैंने मना कर दिया था। क्यों? साहब, अब बुजुर्गों को मारकर पैसा कमाऊं, लानत है मेरे ऊपर। इतना बुरा आदमी नहीं हूं, वैसे भी काफी शरीफ इंसान हूं जी मैं। हाँ गुड्डू, हम सब जानते हैं कि तुम कितने शरीफ हो। एक बात बताओ, तुमने इस काम के लिए ना कहा था और नूरा ने हाँ कहा, क्या इस बात की जानकारी थी तुम्हें? नहीं सर जी, बिल्कुल नहीं। तुम नूरा को जानते हो? जल्दी बोलो, तुम नूरा को जानते हो या नहीं? जी साहब जी, जानता था लेकिन कभी मिला नहीं था मैं। और उसकी पत्नी मुबीना को? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तुम उन दोनों को नहीं जानते तो फिर उस रात उनके गुलफाम वाली बस्ती के घर पे क्यों गए थे तुम? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये उस रात गुलफाम बस्ती में गया था? योर ऑनर, कल मैंने गुलफाम बस्ती के कई लोगों से बात की और सबका ये कहना है कि उस रात गुड्डू वहां गया था और आधे घंटे तक नशे की हालत में गाली गलौज करता रहा, उदंग मचाता रहा। क्या ये बात सच है या नहीं? जी नहीं, झूठ है, बिल्कुल झूठ। ये झूठ है तो मैं बुलाता हूँ सबको। नहीं नहीं नहीं, सच है, ये सच है। मैं गया था नूरा के घर पे। गए थे तुम वहां, ये बताओ कि क्यों गए थे? वो साहब जी, क्या है कि मेरा छोड़ा हुआ काम मेरे दुश्मन नूरा ने ले लिया। मैं तो पंगा लेने गया था जी, बकायदा पंगा लेने गया था। कमाल है, जिस नूरा को तुम जानते तक नहीं थे अचानक तुम्हारा दुश्मन बन गया। ये बताओ गुड्डू, की आधे घंटे तक तुम वहां चीखते चिल्लाते रहे, क्यों? वो क्योंकि साहब जी, दरवाजे पे ताला लगा हुआ था। मैंने दो चार लाते मारी, कुछ गालियां निकाली, फिर मैं थक के वहां से निकल गया। मैं लेकिन डायरेक्ट अपने घर गया था जी, बिल्कुल अपने घर गया था। और कसम बाय गॉड की मैं सनशाइन ओल्ड एज होम नहीं गया। एक मिनट, क्या कहा तुमने? नूरा के घर पर ताला लगा हुआ था जी। आई श्योर? बिल्कुल सर जी। योर ऑनर, इस बात का खुलासा सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, नूरा की पत्नी मुबीना। मैं मुबीना को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मुबीना, उस रात नूरा सनशाइन ओल्ड एज होम में बम लगाने गया था, लेकिन तुम तो घर पे थी, तो फिर घर पे ताला कैसे लगा हुआ था? जी, मैं घर के अंदर सो रही थी और नूरा मेरी हिफाजत के लिए दरवाजे पे ताला लगा कर गया था और चाबी भी अपने साथ ले गया था। आधे घंटे तक गुड्डू बाहर खड़ा रहकर गाली गलौज करता रहा, दरवाजे को लात मारता रहा, तुम्हारी नींद नहीं खुली? नहीं भाईजान, मैं तो नींद की गोली खाकर सोई हुई थी ना। ठीक है मुबीना, मान लेते हैं कि तुम्हारी नींद नहीं खुली, लेकिन दूसरे दिन बस्ती वालों ने तुम्हें बताया होगा कि एक नामचीन गुंडा तुम्हारे दरवाजे के बाहर खड़े होकर तुम्हारे शौहर को गालियां दे रहा था। बताया था? तो फिर ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? मैंने जरूरी नहीं समझा आपको बताना। जरूरी नहीं लगा?
जरूरी नहीं लगा? अगले 20 मिनट में तुम्हारा शोहर फांसी पर चढ़ने वाला और इतनी अहम बात मुझे बताना तुम्हें जरूरी नहीं लगा? जरूरी नहीं लगा या गुड्डू को बचाने की कोशिश कर रही हो तुम? गुड्डू को जानती हो तुम? नहीं। गुड्डू को जानती हो तुम? नहीं। अगर गुड्डू को तुम नहीं जानती तो उसकी कमीज और उसका मफलर तुम्हारे घर पे कैसे लटक रहा था? तुम्हारे मेज के नीचे उसके जूते कैसे पड़े हुए थे बताओ? ये आपको किसने कहा? मैंने अपनी आंखों से देखा जब मैं तुम्हारे घर आया था तब। बताओ क्या रिश्ता है तुम्हारे और गुड्डू के बीच जिसके चलते तुम अपने शौहर को फांसी चढ़ता हुआ देख सकती हो? गुड्डू और तुम्हारे बीच में क्या है? तुम गुड्डू को बचाने की कोशिश क्यों कर रही हो? जी बहुत प्यार करती हूँ मैं गुड्डू से, बहुत प्यार करती हूँ। हमने आपसे झूठ बोला भाईजान, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। योर ऑनर, कल मैंने अपनी असिस्टेंट से एक पहेली पूछी थी कि वो कौन सी चिड़िया है जिसके सर पर पैर होते हैं। इस आसान सी पहेली का बहुत ही आसान सा जवाब, योर ऑनर, हर चिड़िया के सर पर और पैर होते हैं। अक्सर योर ऑनर हम एक आसान से सवाल को इतनी गहराई से देखते हैं, इतनी बारीकी से देखते हैं कि वो सवाल हमें पेचीदा लगने लगता है, कठिन लगने लगता है। कोई चीज सामने पड़ी हो उसे हम बिल्कुल नजदीक से देखें तो वो धुंधी नजर आने लगती है। योर ऑनर, नोरा के केस में मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैं इस केस को इतनी बारीकी से देखता रहा कि उसे फंसाने वाला जो मेरी आंखों के सामने था नजर नहीं आया। नोरा की अपनी पत्नी मुबीना, योर ऑनर, सावलानी और नूरा के बीच के डील की जानकारी सिर्फ एक ही शख्स को थी, मुबीना को। मुबीना को लगा कि ये काम करते करते नूरा पकड़ा जाएगा और उसके आशिक के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। इसीलिए उस रात जब मुबीना को यह एहसास हुआ कि शायद नूरा के कदम डगमगा जाए तो इन्होंने अपने घर के बाहर ताला लगाया। नूरा का पीछा करते करते सनशाइन ओल्ड एज होम पहुंची। नूरा ने इनके चूड़ियों की खनकने की आवाज सुनी, उसके बाद जब लहरी सिंह ने नूरा का पीछा किया। अरे बावले क्या कर रहे तू? रुक जा, रुक। उसने वो सेलफोन का नंबर डायल किया और ब्लास्ट करवाया योर ऑनर। और योर ऑनर, ये पूरी साजिश मुबीना ने रची अपने पार्टनर गुड्डू के साथ मिलकर। नहीं, गुड्डू बेगुनाह है, उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये सब मैंने किया था नूरा को रास्ते से हटाने के लिए। मुबीना,
मैं जानता हूं कि इसमें गुड्डू का कोई हाथ नहीं। मैंने तो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आपका इकबाल ने जुर्म चाहिए था। नूरा पे कसूर है, बॉम्ब मैंने ब्लास्ट किया, मैंने ब्लास्ट किया। हेलो जी जय साहब, ठीक है। फांसी रोक दी जाए। नूरुद्दीन बेकसूर है। अगर कोई बेगुनाह है तो उसकी बेगुनाही साबित करने की जिम्मेदारी मेरी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।